Hello guys, this is Sultan and we have come on the discussion on basic structure of Indian Constitution. इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने पॉलिटी के कई सारे एस्पेक्ट्स कवर किए और इस वीडियो में हम बेसिक स्ट्रक्चर कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है Article 368. Now what exactly Article 368 is? Article 368 of the Indian Constitution power to specifically empowers the Indian Parliament to amend the Constitution. मतलब ये Article Indian Parliament को ये power देता है, ये अधिकार देता है कि Indian Constitution में changes कर सके, क्योंकि समय के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करना भी इम्पोर्टेंट होता है. तो इसीलिए ये पार्लियामेंट के अंदर चेंजेस करने का अधिकार हम लोगों ने पार्लियामेंट को दिया है. सो सबसे पहले इट बिगिंस विद 1951. सबसे पहले इट बिगिंस हियर. और फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था इट वाज 1951 ओनली. मतलब इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग और आफ्टर एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन we have amended immediately after 1 year, that is 1950 mein hum logon ne Indian constitution ko adopt kiya aur 1951 mein hum logon ne first amendment enact kiya. So made some changes in fundamental rights. To first article mein hi first amendment mein hi hum logon ne fundamental rights में चेंज करने की कोशिश की और स्पेसिफिकली राइट टू प्रॉपर्टी जो कि काफी कंट्रोवर्शियल इशू रहा था. सो इसमें से काफी सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई थी और कई सारे केसेस पार्लियामेंट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे. सो सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस 1951. जब पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चेंजेस किए तो इमीडिएटली उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया. तो जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आर्टिकल 368 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज कर सकती है. So it was the initial stage, and then Parliament can take away any right; it will not be void. और कहा सिर्फ changes ही नहीं, बल्कि अगर Parliament चाहे तो कोई भी fundamental rights Constitution में से निकाल सकती है, या फिर कोई भी fundamental right Constitution के अंदर add कर सकती है. So it was first judgment of the Supreme Court. Then it goes to Golaknath case. 1967. तो इस गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया. जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में दिया था उसके खिलाफ 1961 में फैसला दिया और कहा पार्लियामेंट हैज नो राइट टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट. इसका मतलब जो पावर्स पार्लियामेंट के पास है वो लिमिटेड है. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और कहा कि पार्लियामेंट कोई भी राइट निकाल नहीं सकती. एंड देन पार्लियामेंट रिएक्टेड टू सुप्रीम कोर्ट. जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया तो उसके बाद इमीडिएटली 1971 में 24th अमेंडमेंट एनेक्ट किया गया. तो उस वक्त उस अमेंडमेंट में स्पेसिफिकली आर्टिकल 3 और आर्टिकल 368 ये दो शामिल थे. और जैसे कि मैंने कहा 368 ये आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए परमिशन देता है और एम्पावर करता है. तो इंडियन पार्लियामेंट ने उस आर्टिकल में ही चेंजेस लाए और उसमें कहा गया पार्लियामेंट हैज द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट अगेन. तो एक तरह से जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते हैं हमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर.
बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, जहां पर पार्लियामेंट ये कह रहा है और उसको सुप्रीम कोर्ट काउंटर कर रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट दे रहा है तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट काउंटर कर रहा है. सो इट गोज ऑन. एंड इन 1973 अगेन भारती सॉरी केशवानंद भारती केस, दिस इज ऑल्सो अ माइलस्टोन इन इंडियन जुडिशरी. यहां पर इंडियन जुडिशरी ने फैसला दिया पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट. प्लीज रिमेंबर दिस, पार्लियामेंट कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट बट इट कैनॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसी को हम माइलस्टोन कहते हैं. हियर कम्स द फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज यूज दिस वर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट को काउंटर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि डेफिनेटली पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में से जो चाहे वो फंडामेंटल राइट्स निकाल सकती है या फिर शामिल कर सकती है. लेकिन सेम वक्त उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब वो कोई चेंज कर रहे हो तो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो रहा हो जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही बदल जाए. तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम यहां पर कुछ बैरियर्स लगाए. लेकिन इसको भी पार्लियामेंट ने वापस रिएक्ट किया और 42nd अमेंडमेंट पास किया इन 1976, और उसमें कहा गया कि नो लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के अधिकार हैं उसके ऊपर कोई एक लिमिट नहीं है. इसका मतलब अनलिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट जो चाहेगी वो चेंज कर सकती है. एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैनॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. मतलब भले ही पार्लियामेंट जो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर ले, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में पार्लियामेंट के खिलाफ कोई केस दायर नहीं होगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा. इसका मतलब इस 42nd अमेंडमेंट ने पार्लियामेंट को पूरी तरह से पावरफुल बना दिया था और सुप्रीम कोर्ट के पूरे अधिकार निकाल लिए थे. सो एक तरह से यहां पर पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की कोशिश की गई. लेकिन वापस इन 1980 यहां पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर किया, सेम इन मिनर्वा मिल्स केस. सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड दिस प्रोविजन और कहा कि आपने ये आर्टिकल एनेक्ट किया है और उसमें चेंजेस तो किए हैं, लेकिन जो चेंजेस आपने किए हैं वो इनवैलिड है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट वायलेट्स द जुडिशियल रिव्यू. अगेन जुडिशियल रिव्यू विच इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने इससे पहले ही कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकते जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को दिए गए पावर या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निकलता है उस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही आप बदल दो. इसीलिए यहां से जब आप जुडिशियल रिव्यू को खत्म कर रहे हो तो इसमें से आप कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमसी को या फिर कहें कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब को ही बदलने की कोशिश कर रहे हो. तो इसीलिए आपका ये जो अमेंडमेंट है इसको हम इनवैलिड करार देते हैं. देन अगेन सुप्रीम कोर्ट सेड लिमिटेड अमेंडिंग पावर. अगेन लिमिटेड अमेंडिंग पावर इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और कहा उसके बाद कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के अधिकार पार्लियामेंट के पास तो है, लेकिन किस तरह के हैं, लिमिटेड अमेंडिंग पावर. एक लिमिट है जिसके अंदर आप अमेंडमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर अमेंडमेंट नहीं कर सकते. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर पार्लियामेंट के ऊपर एक तरह से बैरियर लगा दिया और कहा कि आपके पास जो फीचर्स हैं, आपके पास जो पावर्स हैं वो लिमिटेड पावर है ना कि अनलिमिटेड पावर है. तो इसीलिए आप ये कोशिश नहीं कर सकते कि आप अपने पावर को एक्सपांड कर सके. यू कैनॉट एक्सपांड योर पावर. जितने पावर्स हैं उसी में काम चलाना होगा. और उसके बाद नेक्स्ट कम्स द वामन राव केस. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा
The basic structure would apply to the constitutional amendments enacted after 1973. Again here, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी ध्यान रखा कि जो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात रखी है तो वो 1950 से लेकर अब तक के लिए लागू नहीं होगा, बल्कि 1973 में जो हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लाया तब से लेकर उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स होंगे उन सब अमेंडमेंट्स के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लागू होगा। तो इस वक्त यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बातों का ध्यान रखा है। एंड सुप्रीम कोर्ट इज येट टू डिफाइन के व्हाट इज एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कभी ये बताया नहीं कि एग्जैक्टली बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो बता दिया है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बदलने की कोशिश करती है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया है। लेकिन कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होगा, सबसे बड़ा होगा, उसके आगे कोई जा नहीं सकता। एंड सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया है स्पेसिफिकली प्रीएम्बल के अंदर, तो इसीलिए सेक्युलरिज्म भी एक फीचर है। देन कम्स जुडिशियल रिव्यू, जैसे कि हम लोगों ने देखा जुडिशियल रिव्यू इज अ अथॉरिटी ऑफ जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट, वी कैन से हाई कोर्ट, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, बोथ कम्स इन इट। तो इसके अंदर जुडिशियरी को भी शामिल किया और कहा कि जुडिशियल रिव्यू ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, इसीलिए आप उसको भी खत्म नहीं कर सकते। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं। सो दैट वॉज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यू गॉट सम गुड इंफॉर्मेशन। And if you like the video, please visit to the website www.studylane.in, or you can just simply subscribe to our channel known as Simple Concepts. Thank you for watching this video.